शिमला शहर में मर्ज एरिया में पानी के बिलों की दरों को लेकर नगर निगम की मासिक बैठक में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बैठक दोपहर 2:30 बजे बचत भवन में मेयर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक शुरू होते ही कोर एरिया में भी पानी के बिलों में राहत देने का मुद्दा उठाया गया। भाजपा पार्षद आरती चौहान ने अपनी ही पार्टी के उप महापौर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शहर के अन्य वार्डों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। आरती का कहना है कि वीडियो की बैठक में मर्ज एरिया में पानी की दरों को 25 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि अन्य वार्ड जो कि पहले से ही नगर निगम में थे, उन वार्डों में पानी के भारी बिलों से राहत देने को लेकर बात तक नहीं की गई, जबकि लोगों को लाखों के बिल आ रहे हैं और लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीओडी की बैठक में निगम के उप महापौर राकेश शर्मा ने शहर के अन्य वार्डों का पक्ष तक नहीं रखा है, ऐसे में उन्हें उप महापौर के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है और उनसे सदन में इस्तीफे की मांग की गई है। उधर नगर निगम के उप महापौर राकेश शर्मा ने कहा कि बीओडी की बैठक में पानी की दरों को लेकर चर्चा हुई थी। इसमें मर्ज एरिया में पानी की दरों में कमी करने का आग्रह किया गया था, लेकिन तय नहीं हो पाया था और इसके लिए मुखिया सचिव ने एमसी का अलग से हाउस बुलाकर चर्चा करने को कहा गया था और जल्द ही इसके लिए हाउस बुलाया जाएगा जिसमें पानी की दरों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि शहर के सभी वार्डों में पानी के बिलों की समस्या है, लोगों को लाखों में बिल आ रहे हैं और इसके लिए जल निगम की बीओडी की बैठक में चर्चा हुई और जल्द ही स्पेशल हाउस बुलाकर चर्चा कर लोगों को पानी के भारी भरकम बिलों से राहत दिलाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से बाल विकास परियोजना रामपुर द्वारा विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पोषण अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को ये भी बताया गया कि स्वास्थ्य और निरोग रहने के लिए खान पान कैसे हो। कार्यालयों में कार्यरत महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को ये भी बताया गया कि पोषण अभियान का संदेश दूर दराज की महिलाओं तक भी पहुंचाया जाए ताकि सरकार के अभियान से सजगता आम नागरिक तक पहुंचे। शिविर के दौरान महिलाओं की एचबी एवं रक्तचाप भी जांची गई, जिसमें अधिकतर महिलाओं में रक्त की कमी पाई गई। इसके लिए उन्हें चिकित्सकों द्वारा जरूरी टिप्स भी दिए गए। बाल विकास परियोजना अधिकारी अजय बद्रेल ने बताया कि रामपुर पंचायत समिति के सभागार में सभी कार्यालयों महिलाओं के लिए कार्यशाला लगाई गई, जिसमें रक्तचाप और एचबी टेस्ट भी किया गया। इस दौरान उन्हें पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। जिला सिरमौर के दाड़ो देवरिया पंचायत के कई गांव में किसान खेती के लिए केवल बारिश के पानी पर निर्भर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंचायत में अभी तक सिंचाई के लिए कोई भी योजना किसानों तक नहीं पहुंची है, जिसके चलते खेती के लिए यहां के किसानों को केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है और ऐसे में यदि बारिश न हो या कम हो तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। हालांकि किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए टैंकों का निर्माण तो किया है, लेकिन इसमें भी केवल बरसात का पानी ही इकट्ठा कर खेतों में सिंचाई की जाती है। आपको बता दें कि इस पंचायत में अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर हैं। ऐसे में यहां के किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके लिए सिंचाई योग्य पानी के साधन उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे कि किसानों को उनके खेतों में सिंचाई योग्य पानी मिल सके और उन्हें केवल बरसात के पानी पर ही निर्भर न रहना पड़े। वहीं किसान रंजीत सिंह ने बताया कि उनके गांव में पानी की बहुत कमी है और न ही सिंचाई योग्य पानी के कोई साधन है, जिसके चलते उन्हें केवल बरसात पर ही निर्भर होना पड़ता है और यदि बारिश होती है तो ही थोड़ी बहुत फसल वे उगा पाते हैं और अगर बारिश न हो तो उन्हें काफी निराश होना पड़ता है।
वहीं पंचायत प्रधान गीता शर्मा का कहना है कि यहां पानी की हमेशा ही समस्या रहती है और अगर समय पर बरसात न हो तो किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है और इसका हल केवल यही है कि हमारे यहाँ एक कवाल खड्ड है जिसमें चेक डैम लगाकर पानी लिफ्ट किया जा सकता है, जिसके लिए हमें सरकार से सहयोग की जरूरत है।